राजनीतिक तवे पर सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपनी रोटियां सेकते हैं। मुद्दा चाहे कोई भी हो, एक दूसरे की टांग खींचना तो बनता है। दो धारी तलवारों के बीच में कटना वोटर को ही पड़ता है। लेकिन कुछ भी हो, पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये बता दिया कि दुनिया में आतंकवाद को पनाह देने वाले हम ही हैं। इसी बात पर कांग्रेस के हाथ बटेर लग गई है, जिसके चलते मोदी जी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरजेवाला जी ने सीधी सीधी चुनौती दे डाली कि अब देखते हैं 56 इंच का सीना आखिर क्या करके दिखाता है। आइए जानते हैं सुरजेवाला जी ने ऐसा क्यों कहा। आप देखते रहिए कैथल पल पल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान एक उग्रवादियों को समर्थन और संरक्षण देने वाला मुल्क है। अब ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी पार्टी पाकिस्तान में सरकार में है, नवाज शरीफ जी के बयान से साबित हो गया। 26/11 हमले का दोषी पाकिस्तान है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और यूपीए की सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा कहती आई। हमने पुख्ता सबूत भी दिए, पाकिस्तान ने इसको हमेशा नकारा। अब नवाज शरीफ जी के इस सनसनीखेज बयान और एडमिशन से सच्चाई सबके सामने है। अब प्रश्न बड़ा सीधा है, क्या आदरणीय मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक उग्रवादी देश घोषित करवाएंगे? क्या आदरणीय मोदी जी उन नवाज शरीफ के बयान पर जिनके घर वो दावत खाने गए थे बगैर बिनाए मेहमान के तौर पर, अब उनकी सरकार से ये सुनिश्चित करवाएंगे कि वो सारे दोषी 26/11 के जिनको पाकिस्तान सजा नहीं दे रहा, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले और नहीं तो उन्हें हमारे देश भारत को दे दिया जाए, ताकि हम कसाब की तरह उनको भी फांसी के फंदे पर लटकाया जा सके? मोदी जी, 56 इंच की छाती और लाल आंख अब पाकिस्तान को दिखाने का समय आ गया है, क्योंकि 166 भारतीयों की बंबई उग्रवादी हमले में कुर्बानी अब आपकी सरकार से न्याय मांगती है। और आप अपने मित्र नवाज शरीफ के बयान के बाद अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची। कार्रवाई कीजिए, भारतीयों को न्याय दिलवाइए, उग्रवादी का खात्मा कीजिए और पाकिस्तान को उग्रवादी राष्ट्र घोषित करवाइए।